स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं अपने दो शैतानों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। आज कोई क्राफ्ट्स का वीडियो लेकर नहीं आई हूँ आज मैं, मैं बताती हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि मैं अपने दो बच्चों के साथ अपने वीडियोस कैसे बनाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे दो बच्चे हैं और उनकी एज इतनी नहीं है कि वो अपने आप समझ कर मुझे इतना टाइम दे दें कि मैं वीडियोस बनाऊं। उनका सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि वो अभी टॉडलर्स हैं, तो उन पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। मैं अपने पिछले वीडियो का ही एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी आपको कि मुझे कितनी परेशानी होती है एक्चुअली उनके साथ शूट करने में। जब मैं शूट करती हूँ तो कहीं से कोई निकल के आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोज़ में भी कभी किसी के पैर आ रहे होते हैं, कभी किसी का हाथ आ रहा होता है, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है उन्हें, बट इट्स फन। मेरी छोटी बेटी 3 साल की है और अभी वो मुझे इतना कॉपी करने लगी है कि कई बार फ़ोन लेकर बोलने लगती है, हेलो गाइस, वेलकम बैक, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझसे ज़रूर पूछती है, मम्मी सब्सक्राइब क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं मेरे डे टू डे लाइफ में। कई बार हम खाना खा रहे होते हैं तो बच्चे बोलते हैं, प्लीज़ अगर खाना पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत फनी हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आप वीडियोस कैसे बनाते हो दो दो बच्चों के साथ घर पे, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है, आपके टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो टाइम तो हम मैनेज कर ही लेते हैं, हम तो होम मेकर्स हैं, तो टाइम मैनेजमेंट तो हमें बेसिक चीज़ है जो हम कर ही लेते हैं। तो एंजॉय करें इस वीडियो को और देखिए कि एक वीडियो बनाना अलग चीज़ है, उसका जो इंट्रोडक्शन, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो जो मैं इंट्रोडक्शन बनाती हूँ किसी भी वीडियो का, कोई भी एक समरी मैं आपको जो बताती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, सिर्फ उतनी सी समरी जो मिनिमम 1 या 2 मिनट की होती है जो आप स्टार्टिंग में देखते हैं, उसको बनाने में मुझे कितनी मशक्क़त होती है, कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो के पीछे। तो प्लीज़ इसे देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे वान्या आवाज क्यों कर रहे हो? क्या चुपचाप बैठ जाए, बैठ 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 या चली जा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन के, काम कर लो। अरे यार इतनी सी देर में आन्या शट अप नाउ। क्या इस तरह का चॉपिंग बोर्ड आप यूज़ करते हैं अपने किचन में? अगर हाँ तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ट्रक चला ले पहले, बंद कर तेरा हंसना। अगर आप इस तरह का क्या यूज़ करते हैं, खुद को हंसी आ रही है, बनाऊंगी कैसे घर में ना। अगर आप इस तरह का, ऐसे लग रहा ना मैं चॉपिंग बोर्ड बेचने वाली हूँ। चॉपिंग बोर्ड ले लो। अगर आप इस तरह का चॉपिंग बोर्ड अपने किचन में यूज करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग DIY मैं बताऊंगी। अच्छा अब फोकस करने रहे।
सारी क्रीम तो उतर ही जाएगी पसीने से। वान्या चुप हो जाया, वान्या अंदर चली जा 10 मिनट के लिए, जा। मजाक हो रही है यार, और अंदर शोर मत करना, आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेरे न्यू यूज़र्स को जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को जल्दी से प्रेस करें। अगर आप इस तरह का चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं अपनी किचन में तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ चॉपिंग बोर्ड से रिलेटेड इतना अच्छा और क्रिएटिव DIY जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे।